everyone, welcome to Sriram's IAS. This is your mentor Arsu Kakkar, where we cover important articles every day. This session also deals with few important articles that are of 30th of June. So क्या list है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ and all you need to do is कि लिस्ट देखने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स राइट, जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएससी. क्योंकि हम देखो न्यूज़पेपर की एनालिसिस होती है, न्यूज़ की एनालिसिस है, अब वो कोई भी एग्जाम दो इम्पॉर्टेंट है ही सही. तो यहाँ पर अब हमें क्या कवर करना है, एक लिस्ट है आपके सामने, एक एडिटोरियल है आज हिंदू के अंदर आया है, स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस. अब ये जो आर्टिकल है ना स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है. लेकिन इस आर्टिकल से ज़्यादा कुछ नहीं निकल गया था. ये बता रहा है पोटैटोज टोमेटोज के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ एक आधा पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. मैं पूरा आर्टिकल तो कवर करूँगी, लेकिन इस आर्टिकल के अगल बगल की काफ़ी और स्टोरी है जो हम पहले आर्टिकल्स में कवर कर चुके हैं. फूड इन्फ्लेशन को लेके क्या फैक्टर्स हैं, बिग फाइव हमने एक आर्टिकल कवर किया था कि मतलब दे आर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, उनके पास पावर है. तो वहाँ फूड इन्फ्लेशन पे बेसिकली जो राइस प्राइस हो रहा है वो फूड के जो प्राइसेस हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, उनके चक्कर में सारी कहानी फूड इन्फ्लेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो हम उसको कवर करेंगे. एक्स्ट्रा मैं चीज़ें इस आर्टिकल के एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी ताकि पूरा आर्टिकल आपके लिए कवर हो जाए. तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा. फिर चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं. पहला मलेरिया, दूसरा सी लायंस के बारे में है, एक स्पीशीज है, उनके बारे में जानेंगे. फिर है चार धाम यात्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट इज बैल्ड ईगल. सो बैल्ड ईगल भी स्पीशीज है, तो स्पीशीज है, एक डिसीज़ है और चार धाम यात्रा के बारे में है. जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस सेशन. पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस. अब यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है ना, मतलब बात कर रहा है कि जो इस टाइम पे सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ना किचन्स में जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं, प्राइसेस बढ़ चुके हैं एंड हाउस होल्ड्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज है ना, घर में टेंशन हो जाती है. तो यहाँ पर सम ऑफ दी आइटम्स आर भाई आलू प्याज टमाटर टोमेटोज पोटैटोज अनियंस तूर दाल राइस. तो मतलब इन सब के प्राइस बढ़ चुके हैं. अब ये मैं लाइंस रीड नहीं करूँगी, ये लाइंस जो आपके सामने लिखी हुई हैं जो बोलूँगी ये सब वही है, तो आप सिर्फ सुन लो ध्यान से, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मेंस में ये नहीं पूछेंगे कितने से कितना बढ़ा, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल हो जानी चाहिए. तो यहाँ पर लाइक सम ऑफ दीज आइटम्स आर टोमेटोज, जैसे मैंने आपको बताया दे हैव, मतलब प्राइस ऑफ टोमेटोज हैज़ मोर देन डबल्ड इन जस्ट 1 month, एक महीने में डबल हो गया. रिटेल प्राइस ऑफ टोमेटोज इन इंडिया वॉज 63 पर किलो 29th of June में. अगर 29th of May की बात करें सो इट वॉज कम्पेयर्ड, अगर उससे तो 24 पर kg. सो ये डबल हुआ है. प्राइस ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज हैव इंक्रीज्ड, मतलब वो तो एक लोअर रेट पे एट ऑफ 7.5% एंड 4.5%. लेकिन ये जो प्राइसेस हैं दे आर नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक आइटम्स, दे आर लाइक आर अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड. ये ट्रेंड दिखा रहा है ऑफ राइजिंग प्राइसेस फॉर असेंशियल फूड आइटम्स, जिसमें जैसे तूर दाल है. तूर दाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियन हाउस होल्ड एंड दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंसिंग कि तूर दाल के प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं. मतलब इट रोज बाय 7.8% in just 1 month. It reached 130 per kg on 29th of June according to government data. तो यहाँ पर ये जो prices हैं जो बढ़ रहे हैं previous year के, मतलब highest level in 31 months की बात कर रही हूँ जो तूर दाल के prices में हमने ऐसे बढ़ते हुए देखे हैं increases. So government ने implement किया stock limits on उड़द and तूर दाल on 2nd of June की prices को थोड़ा मतलब to control the price increase, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखा पाया. दिस ऑल्सो हैड अ लिमिटेड सक्सेस इन रिड्यूसिंग द प्राइसेस. सो ओवरऑल क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. मतलब द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स दैट इंक्लूड्स सीजनल वेरिएशंस, हार्वेस्ट टाइमिंग्स, मार्केट कंडीशंस विच फार्मर्स ब्रिंग देयर क्रॉप्स इनटू द मार्केट. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. देर आर मेनी रीजन्स फॉर इट राइट. Sometimes during certain seasons there might be less lentils available, which make them more expensive. Another reason is that when farmers bring their crops to the market, the prices can change based on how many crops are available, how many people want to buy them. तो इस हिसाब से price जो है वो कम होते हैं, बढ़ते हैं, ये सारा concept है, right? तो ये तो बात है. अब यहाँ पर the price the arrival price data at the agriculture market also shows a 35% increase in the tur dal. Policy makers including RBI need to focus on controlling the inflation. अब यहाँ पर ना जैसे deficit in the monsoon rains हो गया जो कि बहुत crucial है agriculture के लिए, uncertainty that is caused by El Niño weather phenomena. So ये सारे जो factors हैं they pose a risk of further price increase in the food items. और इस scenario को इस retail inflation it could lead to overall rise in the retail inflation. So we need to focus, RBI needs to focus on controlling the inflation as they have emphasized. प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि अगर आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो और एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो. सो बाय मैनेजिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अफोर्डेबल फॉर द हाउसहोल्ड्स एंड द इकोनॉमी रिमेन स्टेबल, राइट? तो यहाँ पर सीजनल कॉम्पोनेंट जैसे कि मैंने आपके साथ मेंशन किया ही है, सीजनल फ्लक्चुएशंस तो हैं. जैसे चाहे आप कोई भी ले लो, तूर दाल ले लो या टोमेटोज ले लो फॉर दैट मैटर, मैंने आरबीआई की यहाँ पर बात आपके साथ कर दी है. तो आप कोई भी मतलब सीजनल फ्लक्चुएशंस जैसे मैं बात कर रही थी, तो व्हाटएवर क्रॉप यू टेक द प्राइस ऑफ सेवरल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग टोमेटोज आर मच हायर देन दे वर एट द सेम टाइम लास्ट ईयर. तो गवर्नमेंट का डेटा जो है वो ये सब शो कर रहा है. एंड सिचुएशन इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय अ डेफिसिट ऑफ 13% इन द मॉनसून रेन सो फार दिस ईयर, राइट? सो रेनफॉल पैटर्न्स का चेंज होना, एल नीनो वेदर फिनोमिना, थोड़ी अनसर्टेनिटी आना, राइट? और जो डिमांड है उसके हिसाब से चीज़ें ना चलना. सो पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेक दी वेरी डिसीजिव एक्शन रिगार्डिंग इट. अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आपके साथ देखो फूड इन्फ्लेशन की बात करती हूँ. जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं वी मीन, मतलब क्या समझते हो आप इन्फ्लेशन से, कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए ओवर टाइम. दिस मीन्स दैट थिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड आवर मनी कैन बाय लेस देन इट यूज टू. मतलब जब चीज़ें महंगी हो गई, अब उसमें से फूड प्राइस इन्फ्लेशन एक स्पेसिफिक टाइप है. दिस रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड अदर थिंग्स वी ईट. जब फूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है कोर इन्फ्लेशन पे. ये हमने बात करी थी, अगर आप डेली ये सेशंस देखते हो, कि मतलब पहले आर्टिकल के अंदर आया था कि ये जो 5 बिग कॉर्पोरेट्स हैं, बिग 5, यहाँ बोला कि मतलब जो प्राइसिंग पावर है इन 5 बिग कॉर्पोरेट्स की, 5 बिग 5 की, दे मतलब इंडिया की जो इन्फ्लेशन है उसमें दिस कॉर्पोरेट प्राइसिंग एग्जिस्ट. तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो लिमिटेड है. मतलब यहाँ पर एक डिबेटेबल बात आ गई कि फूड प्राइस, मतलब उन्होंने बोला कॉर्पोरेट प्राइसिंग तो है लेकिन कॉर्पोरेट प्राइसिंग एग्जिस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री, लेकिन ठीक है बट टू द एक्सटेंट टू विच इट ड्राइव्स ओवरऑल इन्फ्लेशन वो डिबेटेबल है. क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन बात कर रहे हो, इन्फ्लेशन हो रहा है और उसमें कॉर्पोरेट पावर, प्राइसिंग पावर को एक प्रायर मतलब वो दिखा रहे हो कि दिस इज द सोली फैक्टर, तो वो नहीं है. जैसे फूड प्राइसेस मेन है, फूड प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है वो क्या करती है, इट्स टेंड टू फीड द कोर इन्फ्लेशन. अब इस लाइन को समझने के लिए बात को सुनो. जब फूड के रेट बढ़ते हैं खाने के, तो फूड प्राइसेस व्हेन गो अप इट इफेक्ट्स ऑन कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन इज लाइक अ ब्रॉडर मेजर ऑफ प्राइसेस इंक्रीजेस, मतलब जिसमें सिर्फ फूड नहीं आता, इट इंक्लूड अदर एसेंशियल आइटम्स ऑल्सो, राइट? जब फूड जैसे क्लोथिंग है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है. द रीजन फूड प्राइसिंग इन्फ्लेशन टेंड्स टू फीड इनटू कोर इन्फ्लेशन इज बिकॉज फूड एक बेसिक नेसेसिटी है हर किसी के लिए. वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, ठीक है? सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स इंक्रीजेस, वो हमारे डेली लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अगर चावल के रेट बढ़ेंगे तो इट बिकम मोर एक्सपेंसिव टू बाय राइस फॉर आवर मील्स. तो जब फूड के रेट बढ़ते हैं तो ये कि चेन रिएक्शन हो जाती है. लेट मी एक्सप्लेन. नाउ व्हेन फार्मर्स हैव टू पे मोर फॉर द थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड लेबर, दे मे नीड टू चेंज मोर फॉर देयर क्रॉप्स टू कवर देयर कॉस्ट. द सेलर्स हु बाय दीज क्रॉप फॉर द फार्मर्स ऑल्सो नीड टू चार्ज हाई प्राइसेस टू मेक अ प्रॉफिट. and when finally we go to the market to buy these food items, we have to pay more. ये chain बन गई. अब इसके चलते बाकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है. When people's expenses go up because they are spending, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है फूड के खर्चे पे क्योंकि ज्यादा जा रहा है मेरा पैसा, तो बाकी चीजों की डिमांड कम होगी. मैं बाकी चीजों पे क्लोथिंग और अदर्स आई हैव लेस मनी टू स्पेंड आउट देयर, तो वहां डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट? सो ये सारी चीजें लिंक्ड अप है. इंक्रीज इन फूड प्राइसेस कैन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर अदर आइटम्स आल्सो, एंड इट फीड्स कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट इंक्लूड्स सर्टेन टेम्परेरी फैक्टर्स, मतलब जो ऐसे होते हैं ना, जो वॉलेटाइल होते हैं, जैसे फॉर दैट मैटर कोर इन्फ्लेशन ट्राइज टू लुक बियॉन्ड द टेम्परेरी फैक्टर्स जो वॉलेटाइल हैं. वॉलेटाइल मतलब आज रेट बढ़ गया कल कम हो गया, जैसे कॉस्ट ऑफ एनर्जी, गैसोलीन और सीजनल वेरिएशन से जो प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ते करते रहते हैं. कोर इन्फ्लेशन जो है जिसमें पॉलिसी मेकर्स से आपको उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्योंकि इट एक्सक्लूड्स द वॉलेटाइल कंपाउंड सच एज फूड, एनर्जी प्राइसेस फ्रॉम द बास्केट, राइट? तो आपको ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर का क्लियर पिक्चर दिख जाती है, राइट? लेकिन इन कोर इन्फ्लेशन, यही तो बता रही हूँ कि फूड इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड भी करते हैं तो भी फूड के जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो. बात आ गई समझ में? तो ये था पूरा आर्टिकल जो यहाँ पर मेंशन है और ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी. अगला आर्टिकल बात कर रहा है सी लायंस की. ये जो हमने आर्टिकल अभी देखा है ना पीछे फूड इन्फ्लेशन वाला, ये आपके जीएस पेपर 3 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सवाल भी बन सकता है, तो आपको मतलब एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ आज प्रीलिम्स के लिए. आपको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, इन दोनों के बारे में इनकी डेफिनेशन और इसके हर एक फैक्टर को आपको आज पढ़ना है. ये आपके लिए होमवर्क है, राइट? सो ओवरऑल फूड प्राइसेस जो है दे आर ड्राइविंग द करंट इन्फ्लेशन. ये डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया था. सो दिस वाज द सिनेरियो एंड वे फॉरवर्ड में यू कैन ऑल्सो हैव कि करंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, राइट? तो वो थोड़ा सा आप खुद से सोचो, जैसे कि कंसिडरेबल राइज इन द फूड प्राइसेस एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट टू द पब्लिक मस्ट बी कंसीडर्ड. वही तो है जो पब्लिक को एट लास्ट कंज्यूमर बेस है ना, सो जो पब्लिक को चाहिए दैट मस्ट बी कंसीडर्ड. करंट स्ट्रैटेजी रिस्ट्रिक्टेड टू यूज द इंटरेस्ट रेट टू डैम्पन द एग्रीगेट डिमांड. सो ओवरऑल मतलब कैसे आपके पास वे फॉरवर्ड के लिए 3-4 पॉइंट्स आते हैं वो आप कैटर करो और एक आंसर जरूर ट्राई करना इससे लिखने की. अब थोड़ा सी लॉयन के ऊपर बात करते हैं. ये आपके जीएस पेपर 3 से ये आर्टिकल जो है वो लिंक करता है, ठीक है? स्पीशीज के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. सो सी लायंस जो है, देखो ये पिक्चर पहले तो देख लो क्योंकि जितने स्पीशीज को आप पिक्चर्स के थ्रू देखोगे उतना चीजें आपके लिए क्लियर होंगी, राइट? तो यहाँ पर अब ये न्यूज में क्यों है वो डिस्कस कर लेते हैं, इनका हैबिटेट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ. सी लायंस आर मेराइन मैमल्स दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्चिड, राइट? तो ये क्या है मैं आपको ये दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट. ये देखो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तो आप इनको साथ साथ पढ़ते जाओ, मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी ताकि ध्यान में रहे सारी चीज़ें. सो सी मैमल्स मेराइन मैमल्स हैं. सी लायंस आर मेराइन मैमल्स. दे बिलोंग टू द फैमिली दैट आई मेंशन्ड ऑर्ट्रिडे. दे आर नोन फॉर देयर सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल. इसका मतलब वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लैंड पे और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम वाटर पे दे स्पेंड. फैसिनेटिंग एनिमल्स हैं. दे हैव सम यूनिक फीचर्स. क्या फीचर्स हैं? इनकी जो बॉडी है दैट इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, मतलब विद अ लार्ज हेड एंड अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल नेक. सो दे यूजुअली हैव अ ब्राउन, ये सारी फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ब्राउन और टैन कोट विच हेल्प्स देम ब्लेंड इन विद देयर एनवायरमेंट. और जो एडल्ट मेल सी लायंस हैं दे डेवलप अ थिक मेन ऑफ हेयर अराउंड देयर नेक्स और विच दे गिव्स देम अ वेरी डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस. कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है? सो इनका हैबिटेट है यहाँ पे शोरलाइंस, आइलैंड और सैंडी बीच. सो दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन वाटर बट वेयर दे हंट फॉर फिश एंड अदर मेराइन क्रिएचर्स. सो सी लायंस कैन बी फाउंड इन कोस्टल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया. दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्रंट फ्लिपर्स विच दे यूज टू प्रोपेल देमसेल्व्स थ्रू द वाटर. और ऑन लैंड सी लायंस फॉर्म अ लार्ज कॉलोनीज और ग्रुप, राइट? सो दीज रुकरीज बोलते हैं. रुकरीज कैन बी फाउंड ऑन रॉकी शोर, सैंडी बीचेस. सो दे आर सोशल एनिमल्स. दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेरियस वोकलाइजेशन, राइट? और रही बात थ्रेट की, तो अनफॉर्चुनेटली सी लायंस हैव फेस्ड सेवरल थ्रेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वन ऑफ द रीसेंट कंसर्न इज इन कैलिफोर्निया इज टॉक्सिक ऑफशोर एल्गी ब्लूम्स. इसी के चक्कर में न्यूज में आए हैं. दीज ब्लूम्स जो हैं, एल्गी ब्लूम्स की अभी बात करूंगी, वो हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, जो कि सी लॉयंस की हेल्थ को इफेक्ट करता है एंड अदर मराइन एनिमल्स. सो दीज टॉक्सिन्स कैन मेक सी लॉयंस सिक एंड इवन कॉज देयर डेथ. कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं टू प्रोटेक्ट द सी लॉयंस. ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च वर्क जो है वो दे आर देयर टू मॉनिटर देयर पॉपुलेशन, स्टडी देयर बिहेवियर, रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट. सो इट्स क्रूशियल टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, राइट. तो ये हैबिटेट की मैंने बात कर दी है, और हाँ डाइट की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. सो ओवरऑल ना देखो, ये तो बता ही दिया कि दे ऑफन फॉर्म लार्ज कॉलोनीज और बेसिकली दे आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, चाहे अटलांटिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो. दे आर कार्निवोरस, डाइट इनकी कार्निवोरस है, मतलब दे ईट मीट. पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने पूछा है. द प्राइमरी डाइट कंसिस्ट ऑफ फिश सच एज वेरियस फिशेस. सो दे आर स्किल्ड हंटर्स एंड have excellent swimming abilities, allowing them to chase, to catch their prey under the water. So इसके subspecies है, जैसे ऑस्ट्रेलियन सी लॉयंस हो गया, कैलिफोर्निया सी लॉयंस, गैलापागो, न्यूजीलैंड, स्टेलर सी लॉयंस, साउथ अमेरिकन सी लॉयंस, राइट. So these are the different species of it. What is an algal bloom? अभी जो दैट इज किसकी वजह से थ्रेट हुआ, तो अल्गल ब्लूम क्या है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है दैट हैपन्स इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स. होता क्या है, देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. एल्गी आर plant like organisms, tiny hote hain that can be found in fresh water and ecosystem. So algal blooms can be caused by various factors, nutrient availability, temperature, light, water conditions. So ye sari jab conditions hoti hai na, and jaise high level of nutrient ho gaya, nitrogen, phosphorus, temperature warm hai, abundant sunlight hai, to algae rapidly algae can multiply rapidly, aur uski wajah se growth bahut zyada rapid ho jati hai. Large population of algae forming what is known as algal blooms. So यहाँ पर concern ये है क्योंकि they produce a toxin that is domoic acid, और ये जो acid है that is harmful to the marine life, right? So it can cause neurological problems, it can be fatal in several cases. So these are the issues. They have like implications. They can disrupt the balance of ecosystem, they can deplete the oxygen level in the water, leading to fish kills, harm the aquatic organisms. So efforts are being made to monitor and to manage the algal blooms to minimize their negative effect. ठीक है, that was the scenario. अगला थोड़ा सा हम बात करते हैं मलेरिया की, बिकॉज देयर वर 5 केसेज ऑफ मलेरिया इन द पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स. कोई ऐसे इंटरनेशनल ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं थी फिर भी, तो इसीलिए अब ये न्यूज़ के अंदर है मलेरिया, तो हमारे लिए मलेरिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेट्स डिस्कस नाउ. ठीक है, तो मलेरिया इज अ टाइप ऑफ डिसीज, सबको पता ही है, मच्छर के काटने से होती है. तो क्या है ये सिनेरियो, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, just a second. So ये एक parasitic infection है that is transmitted by infected mosquito. तो इट इज मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. तो यहाँ पे देखो होता क्या है, कॉज ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मलेरिया इज कोज्ड बाय पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, सो विच इन्फेक्ट्स मॉस्किटोज दैट बाइट द ह्यूमंस. व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन, इट ट्रांसफर्स द पैरासाइट इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से पर्सन इज अफेक्टेड विद मलेरिया. मलेरिया कोई मतलब ट्रांसमिशन ऐसे नहीं होता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन नॉट स्प्रेड लाइक दैट. मलेरिया कैन कॉज वेरियस सिम्टम्स. मॉस्किटो का नाम बताना मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कमेंट सेक्शन के अंदर. फीवर होंगे, चिल्स होंगे, हेडेक्स होंगे. मलेरिया कैन बिकम वेरी सीवियर ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं. तो मलेरिया इज़ कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, पर्टिकुलरली इन द रीजन सच एज सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका. सो दीज एरियाज हैव अ वार्मर क्लाइमेट, और इसकी वजह से इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी द मलेरिया पैरासाइट, राइट. सो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल एट वेरी हायर रिस्क, दिस इंक्लूड जैसे बच्चे हो गए, चिल्ड्रन अंडर द 5 years ऑफ एज, प्रेगनेंट वुमेन, इंडिविजुअल्स विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, राइट, जिनको HIV एड्स हो. सो ये सारे जो हैं दे आर एट द हाई रिस्क ग्रुप. अब टाइप ऑफ पैरासाइट्स दैट आर कॉजिंग मलेरिया, वो अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पर मैं ही बता देती हूँ, इट मोस्टली स्प्रेड्स टू द पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. ये ध्यान में रखना, सवाल पूछा जा सकता है. टाइप्स ऑफ पैरासाइट कोजिंग मलेरिया, सो देर आर 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स एज स्पीशीज दैट कोज मलेरिया इन ह्यूमंस, एंड 2 ऑफ दीज स्पीशीज आर ग्रेट थ्रेट P falciparum एंड P vivax. तो ये तो दो हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रेट पोज करती हैं. सिम्टम्स और प्रिवेंशन मैंने आपको बताई दी. प्रिवेंशन के लिए वही है मेडिसिन और मॉस्किटो बाइट से बचो. मच्छर, आज मच्छर काटता है तो बहुत डर लगने लग जाता है, यही होता है ना, मच्छर काट गया है तो टेंशन हो जाती है. सो वो सब चीज़ें हैं. अब यहाँ पर अगला जो आर्टिकल है वो इस ईगल के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर बाल्ड ईगल, राइट. ये एक स्पेशल बर्ड है दैट होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो द बाल्ड ईगल हैज बीन नेशनल सिंबल ऑफ यूएस 1782 से. इट्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. आपको उनके यू कैन फाइंड इट ऑन द कंट्रीज ग्रेट सील एंड इन मेनी अमेरिकन एम्बलम्स, राइट. लार्ज और पावरफुल बर्ड है. डार्क ब्राउन कलर की बॉडी होती है बट इट्स हेड एंड टेल आर वाइट. हेड वाइट होता है, टेल वाइट होती है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट होता है. तो यहाँ से बाल्ड ईगल से ये मत समझो कि बेयर हेड है, ऐसे नाम से वो मत समझो. द नेम कम्स फ्रॉम एन ओल्डर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच रेफर टू एज वाइट हेडेड अपीयरेंस, है ना, दैट इज वाई द टर्म इज बाल्ड ईगल. तो फीमेल बाल्ड ईगल जो होती हैं दे आर हैविंग दे आर बिट बिगर देन द मेल्स. दिस इज कॉमन इन मेनी बर्ड स्पीशीज जहाँ पर फीमेल्स टेंड टू बी लार्जर इन द साइज. और बाल्ड ईगल्स बिल्ड देयर नेस्ट एट द वेरी टॉप ऑफ टॉल ट्रीज ताकि वो अपने एग्स के लिए सेफ हो, राइट. सो दीज नेस्ट्स आर लार्ज, स्टर्डी, प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस. अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन द पास्ट दे वर अबाउट टू लाइक एक्सटेंशन वाला जो सिनेरियो है ना, तो वो था. तो अभी क्या हुआ, कंजर्वेशन एफर्ट्स से डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए एंड द बर्ड्स पॉपुलेशन हैज स्टेडीली इंक्रीज. एज अ रिजल्ट नाउ अमेरिकन बाल्ड ईगल वाज रिमूव फ्रॉम द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट इन 2007 मेकिंग सक्सेस स्टोरी हो गई. अब तो मतलब बहुत ही सीरियस थ्रेट टू दैट, दे वर बिकमिंग एक्सटिंक्ट और अभी आप एंडेंजर्ड लिस्ट से भी बाहर हो, राइट. सो इट इज नॉट ओनली मैग्निफिसेंट बट जैसे कि मैंने आपको बताया इसका सिंबल मतलब दे सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ नेचर, राइट. तो उसकी रिकवरी होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उनके लिए यूएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इट कैन बी फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड दे लिव इन अलास्का, कैनेडा, मैक्सिको, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. एंड दे प्रेफर टू लिव नियर द बॉडीज ऑफ वाटर, लेक, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स के पास ज़्यादा होते हैं. दीज हैबिटेट्स प्रोवाइड देम विद एक्सेस टू देयर मेन फूड सोर्स, राइट. दे आर कार्निवोरस. डाइट पूछ ली जाए तो बता देना हम ईट करते हैं मीट को. देयर डाइट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ फिश एंड दे आर एक्सेप्शनल हंटर्स व्हेन इट कम्स टू कैचिंग द फिश फ्रॉम द वाटर. बहुत ही अच्छे. कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूँ तो अभी वही तो कितनी अच्छी बात है यही कि अभी ये लीज कंसर्न में, एक टाइम पे एक्सटेंशन में थे. इट्स इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स ताकि टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन. सो नाउ इट इज लिस्टेड अंडर द अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स. सो विच ओवरऑल दिस लिस्टिंग हेल्प्स टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द इंटरनेशनल ट्रेड टू इंश्योर की सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज जो है डज नॉट थ्रेटेंड, ठीक है. अगला जो आर्टिकल है वो है चार धाम यात्रा को लेके एंड इट वाज ए न्यूज बिकॉज चार धाम यात्रा पिलग्रिमेज टू 4 सैक्रेड हिंदू श्राइन्स इन द हिमालयस, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री. इट हैज विटनेस्ड हाई नंबर ऑफ डेथ अमंग द डिवोटीज इस साल. तो यहाँ पर इट इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एंड अदर हेल्थ एलिमेंट. सो दिस यात्रा मतलब यहाँ पर देखो हर साल बहुत से मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर दे गेट अट्रैक्टेड, दे गो एंड रोड एक्सीडेंट्स, लैंडस्लाइड्स होते हैं. कार्डियक अरेस्ट से मतलब ऑफिशियल डाटा कह रहा है 149 पिलग्रिम्स हैव डाइड. सो चार धाम यात्रा जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज अ पिलग्रिमेज सर्किट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड. 4 हिंदू श्राइन्स जो 4 श्राइन्स जिसमें यात्रा में आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, राइट. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट इज बिलीव दैट वन शुड कंप्लीट इट, जैसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ. रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है. ईच ऑफ दी श्राइन्स होल्ड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म. मतलब ऐसा बोलते ही हैं कि अंडरटेकिंग चार धाम यात्रा कैन क्लेंस वन सिंस एंड लीड टू स्पिरिचुअल सैल्वेशन. अप्रैल और मई में स्टार्ट होती है एंड नवंबर तक कंटिन्यू होती है. वेदर कंडीशंस पे बेसिकली डिपेंड करती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, माउंटेनियस रीजन है और रिलीजियस जर्नी तो है ही, लेकिन कल्चरल और टूरिज्म इवेंट के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर मतलब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है लोकल कम्युनिटीज के लिए. वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो भी बूस्ट होती है. यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, डेडिकेटेड टू गोडेस यमुना. रिवर यमुना इज द सेकेंड मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा, सबको पता ही है. गंगोत्री धाम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, गॉडेस गंगा को डेडिकेटेड है, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट सैक्रेड ऑफ ऑल इंडियन रिवर्स. केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमने कवर किया था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, मंदाकिनी रिवर पे सिचुएटेड है एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑल्सो इन इंडिया. बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, होम टू दी सेक्रेड बद्री नारायण टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द होली श्राइन्स फॉर वैष्णवाइट्स। तो ये थोड़ा सा आपको कहीं से भी यहाँ से प्रीलिम से सवाल बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद कर रही हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। सो दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन। विद नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। सो मीनवाइल गुड लक एवरीवन एंड सैटरडे संडे आपके पास है, तो जितने भी आर्टिकल्स अभी तक हमने कवर किए हैं उनको फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एक बार सारे के सारे रिवाइज कर लो। रिवीजन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए देन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।